इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी रायपुर से, जहां नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की वोटिंग आज सुबह से ही शुरू हो चुकी है। 15 साल इनकी शासन थी बीजेपी की, 15 साल इनके पार्षद थे, ये घर था। अगर आज एक आक्रोशित नागरिक क्यों आक्रोश होकर बोल रहा है, कोई कामगार नाराज हुआ है, वोट के टाइम पे ऐसे जोड़ते हैं। 6 महीना पहले जो भी मेहनत किया, हम उसको मेहनत का फल देने की अपेक्षा रखते हैं। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, आदमी जानता है कि इस विजयनगर में के कोई भी काज 15 साल से नहीं हुआ, मगर 6 महीना पहले एक कोई व्यक्ति आया, वो कोई भी हो, नाम नहीं लेना चाहेंगे हम, मगर उस व्यक्ति को मैं अपने दिल से बोलता हूँ कि वो व्यक्ति जीत रहे हैं, उतरना पड़ेगा। वो जीत रहे हैं, वो व्यक्ति जो 6 महीना पहले टंकी लगवा दी, जो भी है वही जीते, ठीक है। अब 15 साल अब समझ के होंगे, जो पब्लिक यानी सुन रहे हैं वो समझ के होंगे कि कौन 6 महीना पहले आके मेहनत किया, अपने मेहनत का हक मांग रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता पूर्वा सिंह जुड़ चुके हैं। पूर्वा, राजधानी का क्या चुनावी माहौल है? जी कुणाल जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हम राजधानी के वार्ड क्रमांक 32 महर्षि वाल्मीकि वार्ड में है, जहां पे वोटिंग सुबह से ही चालू हो चुकी है। माहौल जो आप देख रहे हैं बहुत जोरों से है, मतदाताओं के बीच मतदान की जागरूकता साफ साफ नजर आ रही है। आइए जानते हैं क्या है माहौल, क्या है सुबह से यहाँ। यहाँ पे वोटर का बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी भीड़ है, सुबह से लोगों में उत्साह है, सभी लोग बढ़ चढ़ के वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सुबह से लेके अब तक कितने प्रतिशत तक वोटिंग हो चुकी है? सुबह से लेकर अभी तक 12-15% वोटिंग हो चुका है और काफी अच्छा उत्सव है, हमको लग रहा है लास्ट तक 70-75% वोटिंग हो पाएगा यहाँ पे। देखिए महर्षि वाल्मीकि वार्ड से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिला से चुनाव लड़ रहे हैं, तो मेरे को लगता है बहुत हाई प्रोफाइल वार्ड ये हो गया है और मतदाताओं में उत्साह ऐसा है कि सवेरे 7:30 बजे से पोलिंग 8 बजे शुरू होनी थी, 7:30 बजे से आके कॉलोनी के लोग लाइन लगे हैं। अब मैं समझता हूँ कॉलोनी का वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी का वोटर होता है और कहीं ना कहीं बदलाव की लहर दिख रही है, क्योंकि लगातार महापौर जो है विगत 10 वर्षों से कांग्रेस का रहा और जो लोगों की अपेक्षाएं थी, जो विकास लोगों को दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा है। और पाइपलाइन बिछाने का काम मैं बता रहा हूँ, कल से हम लोग देख रहे हैं घरों में जो पानी इतना गंदा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं से जो पाइपलाइन है उसमें सीवरेज का पानी मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा लोगों में, इस वार्ड के लोगों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और बिल्कुल मेरे को लगता है कि इस बार महापौर बदलेगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजयी होगी, क्योंकि पूरा वातावरण जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। अपूर्व, वहाँ पहुंचे प्रत्याशियों से जाने उनकी राय। जी कुणाल जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सागर बागमारे जी भी उपस्थित है। आइए जानते हैं कि क्या है माहौल। सागर बागमारे जी, क्या है आपके वार्ड का माहौल? वार्ड का माहौल तो अभी फिलहाल बहुत अच्छा है, यहाँ पे बहुत से नए नए प्रत्याशी आए हुए हैं, कुछ पुराने प्रत्याशी हैं, तो सब में अपने अपने लिए दौड़ भाग लगी हुई है। एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपको जनता से कितना समर्थन मिला? जनता का समर्थन तो अब 24 तारीख को समझ में आएगा, इसलिए जनता को सारी समर्थन सभी को दे रही है, सब अपने अनुसार जनता अपना उम्मीदवार चुन रही है। तो जैसा कि आपने देखा, हम थे राजधानी के वार्ड क्रमांक 32 महर्षि वाल्मीकि वार्ड में, जहां जोरों शोर से मतदाता मतदान का, अपने मतदान के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन ऋषभ दीवान के साथ मैं रिपोर्टर अपूर्वा सिंह।